इनकी छोटी सी एक देख लो अब बाहर से एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को इनकी दुकान। दादा की पुकार भी है, पुकार कितने का है दादा? फेयर लवली का फेस वॉश जो बड़ा वाला, ये कितने का है? 2.5 रुपए का। ये भाई 100 ग्राम का फेस वॉश 2.5 रुपए का, और ये कितने का है? ये 50 ग्राम है। ये भाई एक चीज निकाली इस भाई ने, ये दूध कितने का है? ये लिक्विड वाला दूध है। ये पपीता है, ये पपीता है, ये करेला है, करेला कुछ पका हुआ है और ये पक गया देख लीजिए, और ये लोबिया है, और ये मिर्च है, ये लौकी है, ये बैंगन है, ये पोही पोहिया पता नहीं कुछ उनके बांग्लादेश में होता है यार, और ये पत्ते हैं इस चीज़ के पता नहीं पोही, ये सारा कुछ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं जॉर्डन का बकाला। आप लोगों ने सऊदी दुबई के बकाले तो बहुत से देखे होंगे, बकाला अरबिक में कहते हैं, और अपने इंडिया में दुकान शॉप सुपरमार्केट किराना स्टोर ये सब कहते हैं। सो यहाँ पे कुछ लोगों के कुछ मेरे सब्सक्राइबर भाइयों के मन में सवाल होता है कि भाई जॉर्डन कितना महंगा है और कितना सस्ता है, महंगा है या सस्ता है, जो भी है सब आज आप लोगों को हम दिखाने वाले। और पहले तो आप लोग धूप देख लीजिए कितनी तेज़ हो रही, भाई सूरज इतनी तेज़ है कि भाई सामने देखा देखा नहीं जा रहा, क्योंकि वैसे भी हम लोग धूप में तो निकलते नहीं। आज हम चल रहे हैं राशन लेने, और राशन लेंगे और सब्जी लेंगे, ऑयल वगैरह भी सारा कुछ लेना है हमें। सो आज आप लोगों को यहाँ की जो बंगाली भाइयों ने शॉप खोल के रखी है, क्या रेट मिलता है और क्या क्या सामान मिलता है सब आप लोगों को दिखाऊंगा। और एक चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं, आप लोगों ने अपने इंडिया में ऑयली ऑयल जैतून का तेल तो देखा ही होगा, सुना होगा, किसी ने देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा, और सुना तो सब नहीं होगा। तो आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जॉर्डन में जैतून का पेड़ और जैतून। एक चीज़ बता दूँ, जैतून जो साल में 2 बार लगता है, और ये है जैतून का पेड़ देख लीजिए ये, और जैतून आपको दिखा दे, देखो ये कितने पेड़ हैं, ये सारे पेड़ हैं, ये सारे जैतून के पेड़ हैं, देख लो नीचे पड़ा भी है। और अब आपको जैतून दिखाते हैं यार, लगा तो था साला इसमें नहीं लगा, इसके तोड़ दिए गए, ये देखो कितने लगे हैं, जैसे बेर होते हैं बेर, ये देखो देखो कितना लगे, छोटा है भी ये, वैसे हैं बेर या गल्ला, जैसे नीम का जो अपने यहाँ गल्ला होता है, गल्ला वो होता है। और ये भी हरा है, पका नहीं है, इसका तेल भी होता है और इसका अचार भी बनता है, और ये पकने के बाद काला हो जाता है। सो धूप बहुत ज़्यादा है दोस्तों, अभी चलते हैं, और जब बकाला पे पहुँचते हैं फिर आप लोगों को वहाँ का प्राइस, वहाँ क्या क्या मिलता है, कितने रेट में मिलता है, इंडियन सामान मिलता है या नहीं मिलता है। तो भाई अब हम आ गए हैं बंगाली दादा की बकाला पे, बकाला दुकान किराना स्टोर जो भी कह लो। तो अब और ये हैं ओनर भाई साहब, अब आप लोगों को इनकी दुकान दिखाते हैं और किस चीज़ का क्या रेट होता है सारा कुछ दिखाते हैं। ये देखो इनको कांटा ही, ये है इनकी दुकान, कुछ दिखाते हैं आप लोगों को। पहले सब्जी दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पे, देखो कद्दू रखा हुआ है, ये पपीता है, ये पपीता है, ये करेला है, करेला कुछ पका हुआ है और ये पक गया देख लीजिए, और ये लोबिया है, और ये मिर्च है, ये लौकी है, ये बैंगन है, ये पोही पोहिया पता नहीं कुछ उनके बांग्लादेश में होता है यार, और ये पत्ते हैं इस चीज़ के पता नहीं पोही, ये सारा कुछ। अब इनका दुकान आपको दिखाते हैं बाहर से, थोड़ा कुछ ऐसा दुकान इनका दिखता है, इतना बड़ा दुकान है। इनके फ्रिज में दिखा देते हैं कि इन्होंने ये फ्रिज लगा रखा है, एनर्जी ड्रिंक है, जूस है, और इन्होंने रसगुल्ले, छेना और लस्सी, ये सारा कुछ लगा मतलब है देख लीजिए, मिल्क है, कोल्ड ड्रिंक है, पानी है,
कोकोनट वाटर है, और इधर ये दो फ्रीजर है बड़ा बड़ा, इसमें सी फूड नॉन वेज सारा कुछ है, देख लीजिए। और ये दो चीज़ें दिखाते हैं इस फ्रिज में क्या है, ये देखो भाई सारा सी फूड है। और इधर नमक पारा, और ये इसको क्या बोलते हैं यार पता नहीं, ये सारा कुछ है ठीक है। सो अब आप लोगों को रेट बतवाते हैं, देख लीजिए मिर्चा धनिया और ये साबुन तेल, ये तेल है, ये सरसों का तेल है। अब रेट आपको बतवाते पहले यहाँ से स्टार्ट करते दादा, मीट मसाले का एक पैकेट का क्या रेट है? ये मीट 1.25 रुपए का, और चिकन मसाला 1.25 से 1.25, और ये हल्दी 1.25 रुपए। ये सारे जो डब्बे आपको दिख रहे हैं ये 1.25 से 1.25। अब आ जाते हैं तेल, ये तेल सरसों का है ना, कितने आए? 1 किलो है 3.5 रुपए का, बांग्लादेश का है। और ये मसाला इंडिया का है बांग्लादेश का है? ये बांग्लादेश का पूरा सामान ठीक है। और ये कितने का है? 1.5 रुपए का, 800 ग्राम है। और ये है भाई सनफ्लावर ऑयल 4 किलो 5.5 रुपए का है। और ये है जॉर्डन का, ये मेड इन जॉर्डन है। और ये है बेसन, ये कितना है? 1 रुपया। कितना है? 500, आधा किलो है 1 जोड़ी का। और ये छोले वाले चने 600 ग्राम है 1 जोड़ी का, काला चना 600 ग्राम 1 जोड़ी। और इधर ये मूंग 600 ग्राम है, हरा वाला खड़ा मूंग है 600 ग्राम 1 जोड़ी का। और ये चने का दाल है, हाँ चना है, कितना है? 1 रुपये। कितना है? 600 ग्राम। और ये अरहर का है, ये कितना है? नहीं अरहर है 600 ग्राम। ये कितने का है? 1 रुपये। और ये मशहूर, ये 1 किलो पूरा है 1.50 रुपए का। और ये काला वाला मशहूर खड़ा है कितने का है? ये 1 रुपये का 600 ग्राम। और ये मूंग का दाल 600 ग्राम, ये मूंग का दाल है 1 रुपये का, ये भी है ठीक है। और ये देख लीजिए तो सब कुछ ऐसा दिखता है। तो अब आपको बताते हैं, अच्छा ये अचार का रेट क्या है? इमली का अचार कितना है? ये कितना है? 500 ग्राम है, 500 ग्राम है इमली का अचार, 2 रुपए है। और ये लहसुन का, और ये आम का, आम का 1.5 रुपए का, लहसुन इमली का 2 रुपए। और मिक्स वाला, मिक्स 1.25 रुपए। और ये दूध कितने का है? कितना है? 800 ग्राम है, 400, 900 ग्राम है, 900 का है यार, 750 है, देखो 750 देख लीजिए है, कितने का है? 4 रुपए। ये 750 ग्राम मिल्क पाउडर 4 रुपए। और ये पुकार भी है, पुकार कितने का है दादा? 3 पीस 1 जेडी का है। और ये आशा ज्योति 5 रुपए वाला कितने का है यहाँ? ये भाई 5 रुपए वाला तम्बाकू देख लो, 1.5 रुपए का यहाँ पे बेच रहे हैं 5 रुपए का। ये तम्बाकू कौन, मतलब चूने वाला है या बिना चूने वाला? चूने वाला है ये, आशा ज्योति करके कोई इंडियन है ना सारा, ये इंडियन तम्बाकू मसाला है। और ये ब्रश वगैरह 1 रुपया, ये ब्रश इंडियन है, इधर जॉर्डन का है 1 रुपए का है। और ये कोलगेट क्लोजअप ये कितने का है? कितना वेट होगा इसका? 2 रुपया, 2.5 रुपया, ये 2.5 रुपए, 1 रुपए 2 रुपए देख लें ठीक है। और ये चाय पत्ती क्या है ना, ये 2 रुपए का। और ये ब्लेड 25 पैसे का ब्लेड, ये जेलेक्ट गार्ड जो है ये कितने का है? 50 पैसा। और देखो इनकी सामान दुकान में क्या क्या मिलता है, देखो राशन का सेक्शन पूरा इधर है ठीक है। लैया आपको सारा यूज करने वाला मिल जाएगा। नूडल्स कितने का है पूरा बंडल? 5 पीस आता है। और ये झाल मूली लैया 75 पैसे का है ठीक है। इधर राशन का पूरा सेक्शन है, तेल मसाला मिर्च अचार दूध सारा कुछ मिल जाएगा। इधर इन्होंने मंजन ब्रश वगैरह सारा कुछ रख रखा है। और ऊपर देखो कास्टमेटिक का भी इन्होंने कुछ सामान रख रखा है। और इधर देखो टिश्यू पेपर कपड़े
ये हैं, और इस पे तेल, साबुन, बॉडी लोशन, क्रीम, फेस वॉश, सारा कुछ रख रखा है दादा। ये 100 ग्राम वाला 2.5 रुपए का है, और ये 50 ग्राम वाला फेस वॉश जो है 1.75 का है, और ये नारियल का तेल कितने का है, कोकोनट ऑयल 5 रुपया, बड़ा 5 रुपए का है, ये बड़ा है ना, ये 5 रुपए का है, और ये वाला, ये छोटा वाला 2.75 रुपए का है, और ये डब साबुन कितने का है, ये छोटा है, बड़ा कितने का है, और डेटॉल साबुन कितने का है, और कोई साबुन इंडियन मिलता है यार, सारा साबुन है यहाँ पे, सब कुछ है भाई यहाँ पे सारा कुछ। तो अब आपको दिखाते हैं चावल, ये चावल कितने का है, 10 किलो है, 7.5 रुपए का चावल, 10 केजी 7.5 रुपए का है, और ये इधर बांग्लादेश का है या इंडिया का है, इंडिया का है, नहीं नहीं ये वाला ये बांग्लादेश का है, बासमती 11-21 कितने का है, कितना केजी है, ये 4 केजी 5 रुपए का है, और ये मुस्तफ़ा अपने इंडिया का है भाई, लोग देख लो कितने का है, 4 केजी ये भी है, ये 5.5 रुपए का है, ये भी 4 केजी है, और ये 1 किलो शक्कर आपकी कितना है, 75 पैसे का 1 किलो शक्कर है, और ये नमक कितने का है दादा, ये 25 पैसे का नमक है, और आपको क्या दिखा दें अब, और एक चीज़ बताऊँ, हाँ ये मिर्च, 1 किलो मिर्च कितने का है, 3 रुपए का, करेला 1 किलो कितने का है, 1 रुपया, और ये बैंगन 1 रुपया, 1 रुपए का 1 किलो बैंगन है, 3 रुपए की मिर्च है, करेला 1 किलो है 1.5 जेडी का, और ये पपीता 1 रुपए पीस है या 1 कीजिए, 1 रुपए किलो है पपीता, अच्छा ठीक है चलो, ये सब्जी हो गई, और ये बताओ ये रसगुल्ले का पैकेट इसमें कितना, 10 पीस है ये, 2-2 10 पीस रसगुल्ला भाई, देख लो कुछ ऐसा दिख रहा है, इस पे ऊपर क्या डाल रखा है आप लोगों ने, चीनी है ना, चीनी का पाउडर, चीनी पाउडर डाल रखा है, ये 2 रुपए का है, और ये छेना है, ये कितना है, 11 पीस है, 11 पीस है, ये 2 रुपए का है छेना, 11 पीस देख लीजिए, और ये लस्सी का ग्लास, दही है या लस्सी है, दही है, मीठा है, मीठा ना तो वो लस्सी होगा, देख लो यार मीठा दही बता रहे हैं दादा, मुझे तो यार समझ में आ रहा है लस्सी लग रहा होगा, लेकिन एकदम जाम है, फ्रिज में हो तो ऐसे भी ठंड जाम हो जाएगा। तो ये कितने का ग्लास है, 1 रुपए का, 1 रुपए का ग्लास है ये भाई, अब आप लोगों को किस चीज़ का रेट दिखाएं हम, तो अब आपको एक चीज़, ये सर्फ यहाँ पे बचा है, ये सर्फ कितने का, एक 50 रुपये, देखिए सर्फ वगैरह का आप अरबी, ये कितना है, 500 ग्राम है, 300 ग्राम, 500 ग्राम है, ठीक है, ये 50 पैसे का है, ये 50 पैसे का, इस सर्फ का ना अलग अलग हर एक ब्रांड का अलग अलग अपना प्राइस होगा, और ये भैया टोस्ट कितने का है, रश क्या बोलते हैं आपके बांग्ला में, टोस्ट ये कितने का पैकेट है, 1.25 का है, जर्दा थमा सुपारी भी इन्होंने रख रखा है, सुपारी कितने, क्या रेट है बताना जरा, 15 रुपये किलो, 15 रुपये किलो है, और ये 18 रुपये किलो, ये 18 रुपये किलो है, और कोई है, और वो 007 भी है, सॉरी 007 बांग्लादेश है, 1 रुपये, ठीक है 1 रुपये का 1 पीस है भाई, और भाई मैंने इतना सामान लिया है, एक ये तेल है और इतना सामान दादा ने हमें दिया है, 17 जेडी 50 पैसे का, यानी आप 2000 रुपये का कह सकते हो, इसमें क्या है, दाल है, मसाला है, बेसन है, चना है, बेसन नहीं है, चना, अरे वही है यार, क्योंकि पिछले फ्राइडे भी ले गए थे हम लोग, तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग कमेंट करते हो कि भाई क्या महंगा है जॉर्डन में, कितना महंगा है कितना नहीं, तो आप लोग देख लीजिएगा, मैंने आप लोगों को हर एक चीज़ दिखाई और हर एक चीज़ का रेट बताया, हर एक चीज़ का रेट बताया, तो आप लोग अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि जॉर्डन सस्ता है या इंडिया में सस्ता है, और इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो बांग्लादेश की हैं और कुछ चीज़ें इंडिया से आई हुई हैं, और ये जो सब्ज़ी आपको दिखाई है हमने, ये सब्ज़ी यहीं पे होती है ना दादा,
सब्जी जॉर्डन में, अपना एग्री खेती जॉर्डन में होती है, लेकिन ये सब्जी जो उगाते हैं लोग या तो बांग्लादेश से होते हैं या इंडिया से होते हैं या पाकिस्तान भी, पाकिस्तानी दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, पाकिस्तानी भी हो सकते हैं। तो ये देखें ये सब्जी है, और ये सब्जी बुधवार को आती है, बुधवार को काफ़ी सब्जी आती है हरी। और ये नमक पारा का पैकेट कितने का रख रखा है भाई? एक रुपये का। कितना है ये और ये क्या है? तीन पीस है खाजा। ये खाजा, खाजा कितने का है? एक रुपये का खाजा है भाई। भाई खाजा क्या होता है? ये है दुकान इनकी छोटी सी, एक देख लो खाजा। अब बाहर से एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को इनकी दुकान, दादा की ऐसी दुकान दिखती है इनकी, इतनी छोटी है लेकिन सामान आपको सारा मिल जाएगा। तो अगर हमारा बिन करके जरूर बताना कि अपने इंडिया में कौन सी चीज क्या रेट की है, जॉर्डन महंगा है या इंडिया में महंगा मिलता है चीज, क्योंकि आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हो कि भाई जॉर्डन महंगा है या सस्ता है, एक्सपेंसिव है, कैसा है क्या है। तो आज मैंने आप लोगों को दिखाया। अब दादा से थोड़ी बातचीत करते हैं। दादा आपको कितना टाइम हो गया जॉर्डन में? 24 साल। 24 साल में आप बांग्लादेश कितनी बार गए हो? 5 बार। बांग्लादेश में आप प्रॉपर कहाँ से हो? ढाका। ये है बंगाली दादा ढाका से, इनकी शॉप कुछ ऐसी बकाला। अभी तक आप लोगों ने सऊदी दुबई के बकाले देखे होंगे, अब जॉर्डन का बकाला देख लीजिए, ऐसे होते हैं जॉर्डन के बकाले भाई। और ये भाई एक चीज निकाली इस भाई ने, ये दूध कितने का है? ये लिक्विड वाला दूध है, एक 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 लीटर है ना ये भाई, एक लीटर दूध भाई ने लिया है 1 JD का। और भाई आप कहाँ से हो? इंडिया। भाई इंडिया में कहाँ से हो आप? गोरखपुर। ये भाई भी इंडिया से है। सो आप क्या काम करते भाई? सिलाई काम करते हैं यहाँ पे भाई, सिलाई का काम करते हैं। तो चलिए भाई, तो सौदा लेने आए थे दुकान में, भाई पास में ही रहते हैं। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि आप लोगों तक ऐसे वीडियो मिलते रहें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले दोस्तों कि हमने जो आप लोगों को चीज़ें दिखाई है वो यहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही हैं, महंगी पड़ रही हैं या इंडिया में।